आप लोग विश्वकर्मा जी को देखे हैं? विश्वकर्मा जी जो विश्वकर्मा जाति के लोग होते हैं, कोई विश्वकर्मा जाति के हैं यहाँ पर कि नहीं है? कोई नहीं है। देखिए वो विश्वकर्मा जी लोग क्या करते हैं, हाँ एक है, अच्छा वो क्या करते हैं लोग, एक ऐसे होती है धकौनी, उस धकौनी को चलाएंगे तो उससे सांस निकलता है, हवा निकलती है, तो जो कोयले पर पड़ती है तो क्या होता है, आग को तेज करता है। देखे नहीं आप लोग देखे हैं? हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, और कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, देखे आप? तो वह कोयला में आग तेज करता है और लोहा को भी गला गला सकता है। वही महाज्ञानी कबीर लिखे हैं कि मुई खाल के श्वास से सार भस्म हो जाए, माने लोहा भस्म हो सकता है। तो जिंदा आदमी को सताओगे तो क्या उसका आह से तुम भस्म नहीं होगे? ईमानदारी भस्म नहीं होगे, भस्म नहीं होगे, भस्म होगे कि नहीं होगे, भस्म होगे कि नहीं होगे, भस्म होगे। तो इसलिए सजग रहना, सतर्क रहना, तेज तुझसे किसी के हृदय में आह न पहुंचे। लेकिन यहां भी सोचना है, यहां भी सोचना है, एक व्यास जी महाराज थे तो उनके एक भाई थे बलरामपुर में, एसएसआई थे, हैं बाबू अभी कि नहीं है? एसएसआई उस समय थे, हैं कि नहीं? अरे आपके गांव के ही थे, पुलिस में थे, हाँ कुलदीप सिंह तो सेना में थे, एसएसआई थे वो, सीनियर सब इंस्पेक्टर, फिर उनका पोस्टिंग हुआ था, इंस्पेक्टर में थे। मेरे पास आए, बोले गुरुजी साथ साथ रहते रहते मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, पद मिला है एसएसआई का, अब किसी को न दुख दिया जाए ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को न दुख दिया जाए, अब हम चोर को कहें ये चोर बाबू चलो तो चलेगा हमारे साथ, चलेगा? तो उसको तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा, उसके लिए कैसा धर्म बचे हमारा। तो हमने कहा देखिए यदि भगवान राम बोले होते रावण को, अरे रावण बाबू पूजा कर रहे हैं मान जाइए, तो रावण मानता, मानता। तो ऐसे के लिए क्या है, ऐसे को तैसे, ऐसा को तैसा, डैनी के भैंसा, ठीक ना? अरे कौन बोला रे भवानी के, भवानी माँ शक्ति को बोलते हैं, माँ शक्ति भैंसा खाती है, कौन बोला, कौन बोला? ऐसा को तैसा डैनी को भैंसा, माँ भवानी शक्ति है, वो भैंसा खाएंगे, उन्हीं जन्माई है, जन्म दी है सर्वश्रेष्ठ का, वह जन्म दाता है, अपने बच्चे खाएंगी, सोखा ओखा कोई बैठा है क्या इस मेरे तंत्र मंत्र करने वाला है, वही बोल रहा है, अरे ऐसा को तैसा डैनी को भैंसा, बदल दे अपना नियम। हाँ ये बात सही है, देखिए जो जैसा है उसी के साथ वैसा पेश नहीं आएंगे तो काम चलेगा नहीं ना? ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? ये भी अपने बुद्धि से खुद प्रयोग करना चाहिए, समझे? तो आह शब्द का यह है कि देखिए बड़कपन वो नहीं है कि आप कमजोर होकर बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़कपन वो है कि आप योग्य होकर के भी बर्दाश्त कर रहे हैं, इसमें बड़कपन है आह शब्द, ठीक है ना? मेरे अंदर योग्यता है लेकिन फिर भी मैं यदि क्षमा कर रहा हूं तो वह महान है,